बसमिल डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अल मजीद एकेडमी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ओके वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से मुस्तफ़ हो सकें इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग के जो पेपर्स हैं वो शेयर किए जाएंगे ओके तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की जानब सबसे पहले इसका

ये सारे इसके ये डिविजन हैं और ये ब्रांचेज हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाटमी एंड बायोटेक्नोलॉजी एनाटमी और बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है नेक्स्ट है वाट इज मीन बाई फार्मिंग एंड बायो जियोग्राफी फार्मिंग और बायो जियोग्राफी से क्या मरात है ये आप देख सकते हैं ये जो बायो जियोग्राफी ये बुक है ठीक है इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते होते हैं एनिमल्स की वो ज़मीन के ऊपर किस लिहाज से और फार्मिंग के अंदर हम डिफरेंट फार्म्स के स्टडी करते होते हैं पोल्ट्री फार्म हो सकता है डेयरी फार्म हो सकता है ठीक है फिश फार्म हो सकता है तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ़ बोलीसना इन बायलॉजी बोलीसना की बायोलॉजी में क्या खिद है वो तहरीर करें राइट द नेम्स ऑफ द फेमस बुक्स ऑफ जाबर बिन हयान अब्दुल मालिक अब्दुलमालिक्माई ठीक है जाबर बिन हयान और अब्दुल मालिक इसमाई की मशहूर किताबों के नाम बताएं राइट नेम्स ऑफ मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ ऑफ़ ना ऑडेज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इशूज़ के नाम लिखें आप लोगों को पता ही है ये पोल्यूशन आ जाती है हमारे पास ये और इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लूजन जो है ये भी आ जाता है तो ये एक हमारे पास का मेजर इश्यूज हैं इस वक्त और भी आपके बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं ड्रग एडिक्शन भी आई थिंक इसी में आ जाता है नेक्स्ट है वाटर माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स क्या हैं ठीक है

एंड गिवन एग्जाम्पल ठीक है ये कलोन की शक्ल में जानदार रहते होते हैं जैसे कि वॉल इसकी मिसाल आप लगा सकते हैं ठीक है डिफाइन बायो एमेंट्स एंड सिक्स इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स बायोलीमेंट्स बायो वो बायोलिमेंट्स की तारीफ करें और छः इम्पोर्टेंट बायोमेंट्स के नाम तहरीर करें वो वो एलिमेंट्स इंसान के जिसम का हिस्सा बनाने में इस्तेमाल होते हैं ठीक है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेजमेंट्स एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैलशियम फॉसफोर्स की ओके नेक्स्ट हैल्चर एंड हो इज इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हॉटीकल्चर से क्या अमराद है और इसका तल्क एग्रीकल्चर से कैसे बनता है नेक्स्ट है डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी साइंस और बायोलॉजी की तारीफ करें ये भी ये सारे फर्स्ट चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि इसके अंदर हमने मैक्सिमम पार्ट कवर नहीं किया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जस्ट ये वाली चंद एक ब्रांचेस को ही डिस्कस किया है तक कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो आपने कोशिश करनी है सारी के सारी ब्रांचेस को ना डिटेल से बाकी स्टडी कर लेना उन यानी कि इन ब्रांचेस के अलावा वहां से भी किसी भी ब्रांच के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बाकी यहाँ पे हमने मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए अब चैप्टर वन में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहला कौन सा एक्सप्लेन

नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसिस बायोलॉजी का दूसरी साइंसिलुम से तल्लु वाजा करें आप यहाँ पे जैसे कि बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री है और बायो जियोग्राफी है बायो इकोमिक्स है बायो मैथमेटिक्स है ठीक है ये आप इसके अंदर एड कर, कर सकते हैं आंसर में नेक्स्ट है एक्सप्लें सेलुलर ऑर्गनाइजेशन सेलुलर ऑर्गनाइजेशन की वजाहत करें आप यहाँ पर यूनीलुलर ऑर्गनाइजेशन मल्टी सेलोलर ऑर्गेनाइजेशन कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तीनों की वजहत कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन और सिस्टम लेवल की वजहत करें यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑर्गन की डेफिनेशन लिख देनी है फिर उसकी एग्जाम्पल दे, दे देंगे यानी कि आप स्टमक की एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन की एग्जाम्प दे देनी है आपने उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन लिखने के बाद आप ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल दे दें सर्कुलेटरी सिस्टम की दे दें डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रिएटिव सिस्टम जो भी आपने तैयार किया हो आप उसके रिलेटेड वहां पर एग्जाम्पल कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी फाइव ब्रांचेज ऑफ बायलॉजी बायलोजी की कोई सी पांच शाखों की वजाहत कर दें अब यहाँ पे कोई भी लिखते हैं एक्स्ट्रा वो एनाटमी लिखते हैं ठीक है मोरफोलॉजी लिखते हैं और हिस्टोलॉजी लिखते हैं एंटोमोलॉजी लिखते हैं फार्माकोलॉजी लिखते हैं कोई सी पांच आपने यहाँ पे मैंशन कर देनी है नेक्स्ट एक्सप्लन पापुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल पापुलेशन ले और कम्युनिटी लेवल की वजाहत करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ था तो पापुलेशन और कम्युनिटी लेवल के अंदर उसकी तफसील से वजाहत कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है ये क्वेश्चन नंबर टू जो है इसमें पेपर का जो मेजर पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में आता होता है यानी कि आपका मेजर पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का जो चैप्टर टू में से आता होता है क्योंकि इसमें से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन ही जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैथड से क्या मुराद है वाट इज मीनड बाई बॉजिकल मैथड है राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ए एफ ए किंग एफ एंग के दो शहादत लिखे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव टू ऑफ अ गुड हाइपोसिस

नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एन एग्जांपल माहिती शहादत क्या होते हैं मिसाल दीजिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप और तजर्बा ग्रुप में क्या फ़र्क है डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन तनासब और प्रोपोर्शन की कीजिए व्हाट इज़ मीन बाई इन्फॉर्मेटिक्स बायो से क्या मुराद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ या प्रिंसि थ्यूरी और लॉ या प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है एक थ्योरी ला कैसे बनती है हो अ थ्योरी बिकम्स ला ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है हो इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड डाटा को किस तरह तरतीब दिया जाता है व्हाट फोर इंपॉर्टेंट वर मेड अबाउट मलेरिया इन लेट नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी के आखिर में मलेरिया के मतलब कौन से चार अहम मुशहदा किए गए थे नेक्स्ट व्हाट इज मीट बाई प्रोडक्टिव थ्योरी प्रोडक्टिव थ्योरी या बराबर थ्योरी से क्या मुराद है

और नेक्स्ट क्वेश्चन ने है डिफाइन स्पीशीज स्पीशीज की तारीफ करें व्हाट इज मीन बाय टैक्सा एंड टैक्सोनॉमी टैक्सा और टैक्सोनॉमी के निजामब से क्या मुराद है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफ्स एंड ऑटोट्रोफ्स और ही में फर्क लिखिए और साथ आपने इसकी मिसाल भी दे देनी ऑटोट्रोफ्स में आप प्लांट्स की दे देना हीटोट्रोप्स में आप एनिमल्स की दे देना नेक्स्ट है राइट टू करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आपने हमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की दो खसूसियाँ देनी है किंगडम मोनेरा में आपको पता है बैक्टीरियाज होते हैं मतलब के यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स और प्रोटीस्टा के अंदर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलर यूक्स होते हैं इसके अंदर आ जाते होते हैं ठीक है नेक्स्ट डिफाइन बाइनोमियल बाइनोमिल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ कीजिए डिफ्रेंशियट बिटवीन टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड असलाहत नापैद और इंडेंजर्ड में क्या फ़र्क है नेक्स्ट है वॉट इज मीन बाई इंडेंजर्ड स्पीशीज नेम एनी टू इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान इंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या है पाकिस्तान में कोई सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखे इंडेंजर्ड इन डेंजर ऐसी स्पीशीज़ जो ख़तरे में होती हैं नापैद होने के यानी कि जिनके, जिनके ख़त्म होने का ख़तरा होता है उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते होते हैं और एक्सटिंक्ट मतलब नापैद ऐसी जानदार जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं यानी कि जिनका आखिरी जानदार भी ना मौजूद हो उनको एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है जैसे कि डायनासोर नेक्स्ट है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड पी प्लांट इंसान और मटर के पौधे की क्लासिफिकेशन तहरीक कीजिए बोर्ड में आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक ही क्लासिफिकेशन आएगी हो आर फनजाई डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स राइट टू पॉइंट्स फंजाई पौधों से किस तरह मुख्तफ होते हैं दोनों का तहरीर कीजिए नेक्स्ट है डू सम बायोलॉजिस्ट डिस विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटे कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई के किंगडम प्लांटे में क्लासिफिकेशन से मुतफिक क्यों नहीं थे नेक्स्ट है व्हाट वाज़ द बेस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद क्या थी नेक्स्ट है राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन अनियन एंड हाउस क्रो इंसान प्याज और आम कौवे का साइंस

फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम गिव द रीजन वाई वारूटेड फ्राम द फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम पाँच किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम की वजाहत करें और ये भी बताइए कि वारसिस को पाँच किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम से क्यों बाहर रखा गया है एक्सप्लन देंड प्रिंसिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लासीफिकेशन के मकसद और इसके असूलों की वजहत कीजिए नेक्स्ट नक्स्ट वट इज टोमिकॉमी का निज़ाम मरातब से क्या माता है वजात कीजिए आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफॉरस्टेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडावर्सिटी। जंगलात के खात्मे की वजूहत क्या हैं और माहौल के ऊपर इसके असरा बयान कीजिए या बायोडावर्सिटी पर इसके असर बयान कीजिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट द सेल थ्योरी सेल थ्योरी की बयान कीजिए व्हाट इज फ्लोड मॉडल फ्लोड मुजेक मॉडल क्या है इसमें आप कोशिश कीजिएगा वो एक छोटी सी स्क्रीन डायग्राम भी बना दीजिएगा सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस एक्सोसाइटोसिस क्या मरादे इसकी अहमियत लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में फर्क बताइए जिसके द सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मुशा बयान करें मतलब कौन सी चीज़ एक जैसी है इनकी वाट इज मीन बाई प्लाज्मोडेजमेटा प्लामोडेजमेटा से क्या मराद है अच्छा इनमें फर्क क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली होती हैं मतलब खुद को ये रेप्लिकेट कर सकती होती हैं ओके नेक्स्ट है वाट आर क्रोमोप्लास्ट राइट दे आर टू फंक्शन क्रोमोप्लास्ट क्या है इसके दो फॉल बयान करें डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल में फ़र्क बयान कीजिए डिफाइन राइबोसोम्स गिव देयर इंपॉर्टेंस इन सेल राइबोसोम्स की तारीफ कीजिए सेल में की अहमियत बताइए राइबोसोम आपको पता है वो जगह होती हैं जहाँ पे प्रोटीन की तैयारी होती है वाट आर सेंट्रियोल वेयर आर सेंट्रल्स फाउंड गिव देयर फंक्शन सेंट्रल्स कहाँ पाए जाते हैं इनका काम लिखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है डिफरेंशिएट बिटवीन फेगोसाइटो एंड पायनोसाइटो और पाइनोसाइटो में फर्क लिखिए व्हाट इज मीन बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है हाइपर में सॉल्यूट की मकदार ज्यादा होती है और हाइपो में सॉल्यूट की मकदार कम होती है डिफाइन ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तारीफ कीजिए <coughs> कोई से दो ऑफ साइटोप्लाजम और सेलम्रेन के दो अफाल तहरीर कीजिए वाट इज सेलमेन एंड प्लाज्मा सेलमेब्रेन और प्लाज्मा किसे कहते हैं डिफ्रेंशियट बिटवीन मैगनीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में फ़र्क बयान कीजिए आपने कोशिश करनी है इनके साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी दे देनी यानी कि किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और उसकी जो रिजोल्विंग पावर होगी वो आपने मैंशन कर देनी है वाट इज मीन्ट बाई माइक्रोग्राफ माइक्रोग्राफ से क्या है डिफाइन टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर की तरीफ़ कीजिए वैसे इसके अंदर जो गैस है इसके अंदर ना टिश्यूज़ वगैरह को एक्सप्लेन नहीं किया वो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यू तो आपने कोशिश करनी है उसको स्टडी करके जाना पेपर देने के लिए ओके नेक्स्ट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस इन प्रोक्रोटिक एंड यूक्रोटिक सेल्स प्रोक्रोटिक और यूक्रोटिक सेल में फर्क फर्कमान ये भी वेरी इंपॉर्टें क्वेश्चन है वाटर टिश्यूज एक्सप्लेन इट्स टाइप्स कंपाउंड टिश्यूज क्या हैं इनके एग्जाम की वजाहत करें वाटर देयर डिफरेंट टाइप्स राइट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस

ओके okay, यहाँ पे सेल वाली फिर उनको ना सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखना चाहिए था नेक्स्ट एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम के साथ वजाहत कीजिए डिफाइन मेरेस्टमेटिक टिश्य मेरेस्टमेटिक टिश्य तारीफ कीजिए इसी एग्जाम की वजाहत कीजिए डिस्कस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस की साख्त और इसके अफाल की वजाहत से लिखिए वजाहत से लिखिए ओके okay, ये उन्होंने मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का बट इसके अंदर और भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तो बट हमने अपनी तरफ से जो था हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया